हमने अभी तक क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस कर लिया था. नाउ फर्दर हम क्वेश्चन नंबर 11 डिस्कस करते हैं. क्वेश्चन नंबर 11 सेज एन ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर हाई इज प्लेस्ड 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर सो दैट इट इज परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर. फाइंड द पोजिशन एंड साइज ऑफ इमेज. ओके, सो क्वेश्चन रीड करके हमें ये समझ में आ रहा है कि यह क्वेश्चन एक न्यूमेरिकल है. यहाँ पे आपको फॉर्मूला यूज करना है. कौन सा फॉर्मूला? एक ही फॉर्मूला हमने मिरर के लिए पढ़ा है, दैट इज मिरर फॉर्मूला. नाउ न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं. देखिए बेसिकली क्या होता है, जब भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो थोड़ा सा सॉल्व करते करते हम कन्फ्यूज हो जाते हैं. कन्फ्यूज इसलिए होते हैं क्योंकि हमें ये नहीं पता होता कि हमें कहाँ से कहाँ पे जाना है, क्या फाइंड करना है और क्या दिया है. सो जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करें तो फर्स्ट फोकस ऑन द गिवन थिंग्स. जो भी गिवन है उसके ऊपर बिल्कुल ध्यान से पढ़ें, उसको ध्यान से समझें और सबसे पहले उसको नोट डाउन कर लें. ओके, सो इस क्वेश्चन में भी हम बिल्कुल कुछ इस तरह से ही फॉलो करेंगे, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में चलेंगे. सो लेट अस से कि गिवन में हम देखें तो क्या क्या दिया है. गिवन में आपको एन ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर हाई, इट मीन्स ऑब्जेक्ट की आपको हाइट दी हुई है. सो फर्स्ट राइट गिवन गिवन कंडीशंस. फर्स्ट इज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. सो आई कैन से जिसे हम एच ओ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एच ओ इज 2 सेंटीमीटर. ओके, देन इज प्लेस्ड 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर. इट मीन्स वह कॉन्वेक्स मिरर से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है. मीन्स 20 सेंटीमीटर इज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर. सो आई कैन से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जिसे हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज गिवन एज 20 सेंटीमीटर. ऑब्जेक्ट की दूरी 20 सेंटीमीटर हमने लिख लिया. फर्दर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर. ओके, मिरर जो है वो कॉन्वेक्स है तो क्या गिवन है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड इज कि कॉन्वेक्स मिरर है. ओके, देन कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर. इट मींस हमें कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ भी गिवन है. सो लेट अस राइट फोकल लेंथ ऑल्सो. ओके, सो हमें कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ भी गिवन है. सो लेट अस राइट फोकल लेंथ. फोकल लेंथ को हम एफ से रिप्रेजेंट करते हैं एंड इट इज गिवन एज 10 सेंटीमीटर. सो 10 सेंटीमीटर इज द फोकल लेंथ एंड सो दैट द ऑब्जेक्ट इज परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस. इट मीन्स जब मैंने उस ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल एक्सिस पे रखा तो वह परपेंडिकुलरली रखा हुआ है. सो क्या हम इसका डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं? यस. कैसे ड्रॉ करेंगे? सबसे पहले आपको एक कॉन्वेक्स लेंस बना सॉरी कॉन्वेक्स मिरर को स्केच करना है कुछ इस तरह से. ओके, सो हमने एक कॉन्वेक्स मिरर स्केच कर लिया. इस कॉन्वेक्स मिरर में अब हमें ड्रॉ करना है इसकी प्रिंसिपल एक्सिस. तो कुछ इस तरह से हमने प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करी कॉन्वेक्स मिरर की और ऑब्जेक्ट को रखा. अब ऑब्जेक्ट कहां पे रखा है? ऑब्वियस सी बात है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने ही ऑब्जेक्ट रखा होगा. तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज दिस वन. सो ऑब्जेक्ट हम यहां तो नहीं रख सकते, ऑब्जेक्ट को हम यहीं पे रखेंगे. यहां पे कहां रखेंगे? कहीं पे भी. लेट्स से यहां पे रख देते हैं. और हमने ऑब्जेक्ट ऐसा ही क्यों रखा? बिकॉज इट इज गिवन कि ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलरली रखा हुआ है. सो इट मींस दिस डिस्टेंस इज यू, दिस इज पोल, दिस इज ऑब्जेक्ट, लेट्स से ए बी. ऐसा हम मान लेते हैं कि
कि ये ऑब्जेक्ट है ए बी. नाउ व्हाट फर्दर क्या गिवन है? फर्दर गिवन है कि आपको कॉन्वेक्स मिरर में ये ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस पे है. ओके, देन आपको फाइंड करना है इमेज की पोजीशन एंड साइज. आपको फाइंड करना है इमेज की पोजीशन एंड साइज. सो इमेज की पोजीशन एंड साइज को फाइंड करना है. सो हम लिखते हैं टू फाइंड. अभी तक हमने ये लिख लिया कि क्या क्या गिवन है. नाउ अब हम लिखेंगे कि हमें क्या फाइंड करना है. जब तक आपको ये चीज क्लियर नहीं होगी कि हमें क्या गिवन है और क्या फाइंड करना है, तब तक न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बहुत दिक्कत आएगी. तो हम क्या करना चाहते हैं, हम स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को फॉलो करना चाहते हैं. देखिए न्यूमेरिकल का एक खासियत है कि 70% न्यूमेरिकल वहीं सॉल्व हो जाता है जहां आपको समझ में आ गया, क्वेश्चन समझ में आ गया, जहां गिवन कंडीशन समझ में आ गई. ऐसा मैंने पहले भी बताया था. सो हम लिखते हैं टू फाइंड. क्या क्या फाइंड करना है? पोजीशन मींस इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस को हम v से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. इमेज डिस्टेंस इज v एंड हाइट ऑफ इमेज, इसको हम h i से रिप्रेजेंट करते हैं. अब देखिए पोजीशन ऑफ द इमेज का मतलब कि वह इस मिरर से कितनी दूरी पे है, इस पोल से किस पोजीशन किस कितनी दूरी पे इमेज लाई कर रही है. इट मींस हमें इमेज का डिस्टेंस निकालना है, जिसे हम v से रिप्रेजेंट करते हैं. एंड साइज ऑफ द इमेज मींस ये एक ऑब्जेक्ट है ए बी, जो भी साइज इमेज का होगा, मींस इमेज की हाइट की बात कर रहा है वो, क्योंकि यहां पे हम देख सकते हैं इसकी विड्थ कुछ भी नहीं है. जब भी हमने एक ऑब्जेक्ट लिया है, एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट लिया है किसी स्फेरिकल मिरर के सामने, सो उस ऑब्जेक्ट में हमने उसकी विड्थ को ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल माना है, बहुत पतला सा ऑब्जेक्ट है, लेकिन हाइट उसकी है. सो इस ऑब्जेक्ट की जो भी इमेज यहां पे फॉर्म होगी उसकी विड्थ तो उतनी ही होगी जितनी ऑब्जेक्ट की विड्थ है, जिसको हमने कंसिडर नहीं किया. हम सिर्फ कंसिडर करेंगे इसकी हाइट को. इट मीन्स हमें साइज ऑफ द इमेज में हाइट ऑफ इमेज निकालना है, दैट इज एच आई. ओके, नाउ अब गिवन कंडीशंस लिखने के बाद हम कंक्लूजन्स निकालते हैं. हम ये सोचते हैं कि हमने ये तो देखा कि कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट रखा है उसके सामने, उसका रिफ्लेक्शन होगा तो कुछ इमेज फॉर्म होगा. लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हमने पढ़ी थी, साइन कन्वेंशन लास्ट क्लास में. साइन कन्वेंशन में आपको क्या करना है? साइन कन्वेंशन में आपको इन सभी पैरामीटर्स का साइन पता करना है कि ये पॉजिटिव होंगे या निगेटिव. और हमने ये सीखा था कि ये कैसे पता किया जाता है. आप अज्यूम कर लेते हैं कि दिस इज माइनस एक्स, दिस इज प्लस एक्स, ऐसा. दिस इज एक्स एक्सिस एंड सिमिलरली वाई एक्सिस. दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज माइनस वाई. सो जो भी डिस्टेंसेस पोल से राइट की तरफ होंगे वो सभी पॉजिटिव है, जो डिस्टेंसेस पोल से लेफ्ट की तरफ होंगे वो नेगेटिव है. जो भी डिस्टेंसेस प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की तरफ हैं वो सभी पॉजिटिव हैं, और प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे की तरफ होंगे वो नेगेटिव हैं. सो हम बात करते हैं सबसे पहले हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की. हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हम देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट कुछ इस तरह से यहां पे रखा हुआ है, मींस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है. सो ऑब्जेक्ट की जो भी हाइट है वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर तरफ है, मींस जो डायरेक्शन है वो अपवर्ड्स है. इट मींस दिस हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज पॉजिटिव. सो आई कैन राइट इट एज पॉजिटिव, हम इसे पॉजिटिव कह सकते हैं. देन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट मींस हमने ये देखा था कि ऑब्जेक्ट को हम हमेशा लेफ्ट साइड में ही रखते हैं, हर केस में, चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर हो या कॉन्केव मिरर हो, हम ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट में ही अज्यूम करेंगे. सो इट मींस अगर मैं पोल से नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में चलता हूं तो मैं ऑब्जेक्ट तक पहुंच सकता हूं. इट मींस जो भी डिस्टेंस पोल और ऑब्जेक्ट के बीच में होगा वो निगेटिव होगा. सो इट इज निगेटिव, आई कैन अज्यूम दिस, इट इज निगेटिव. नाउ नेक्स्ट नेक्स्ट आता है, ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर है. सो कॉन्वेक्स मिरर में फोकल लेंथ क्या होती है, हमने पढ़ा था इसके बारे में. कॉन्वेक्स मिरर का फोकस किस तरफ होगा? पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में. लेट से यहां पे कहीं पे इसका फोकस होगा, तो जो भी फोकस का पॉइंट होगा उसकी डिस्टेंस फ्रॉम द पोल विल बी द फोकल लेंथ.
एंड फोकल लेंथ इज इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, सो आई कैन से दिस फोकल लेंथ इज पॉजिटिव. फोकल लेंथ को हम अज्यूम कर लेते हैं पॉजिटिव. नाउ अब हमें फाइंड करना है इमेज का डिस्टेंस और इमेज की हाइट, इमेज की साइज. लेकिन अभी तक हमें ये नहीं पता है कि इमेज कहाँ बनने वाली है. ऐसा हम मान सकते हैं, वी डोंट नो कि इमेज इधर बनेगी या फिर इमेज इधर बनेगी, इमेज ऊपर की तरफ बनेगी या इमेज नीचे की तरफ बनेगी. सो इट मीन्स हम इनके साइंस को अभी पता नहीं कर सकते. इनके साइन हम फॉर्मूले का उपयोग करके आंसर निकाल के ही पता करेंगे. अभी हम उसको सीखेंगे कैसे. सो फॉर टाइम बीइंग हम जस्ट अज्यूम कर लेते हैं, ऐसा मान लेते हैं कि ये दोनों पॉजिटिव है. ओके, देन क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे तो फर्दर जो भी आंसर आएगा उसके अकॉर्डिंग आप साइन चेक कर सकते हैं. लेकिन फॉर टाइम बीइंग हम मान लेते हैं कि दिस इज पॉजिटिव, कि दोनों ही पॉजिटिव टर्म्स है. नाउ अब हमने डेटा सारा कलेक्ट कर लिया, डायग्राम स्केच कर लिया, साइन कन्वेंशन सभी के कर लिए. नाउ नेक्स्ट अब करते हैं इसको सॉल्व, सॉल्यूशन. सो सॉल्यूशन में हमें क्या करना है, कैसे सॉल्व करेंगे. वी विल यूज मिरर फॉर्मूला. वी विल यूज मिरर फॉर्मूला. मिरर फॉर्मूला क्या कहता है, मिरर फॉर्मूला इज 1/f इज इक्वल्स टू 1/u प्लस 1/p. नाउ दिस इज द फॉर्मूला जहां पे 1/ फोकल लेंथ इज इक्वल्स टू 1/ डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस 1/ डिस्टेंस ऑफ इमेज. नाउ यू नीड टू पुट, यू नीड टू सब्सटीट्यूट द वैल्यूज जो यहां पे लिखी हुई है, उन वैल्यूज को आपको यहां सब्सटीट्यूट करना है विद साइन कन्वेंशन. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये ध्यान रखें, साइन कन्वेंशन आपको हमेशा फॉलो करना है जब भी आप इस फॉर्मूले को यूज करेंगे. सो चलिए फोकस की जगह वैल्यू पुट करते हैं. 1/f means focal length, 1/ focal length. Focal length is 10 centimeters and sine is positive. So I can say it is 1/ plus 10 is equals to 1/ object distance. So distance of object is 20 centimeters but it is negative. So I will write 1/ minus 20. 1/-20 एंड 1/v, वी इज द इमेज डिस्टेंस. इमेज डिस्टेंस हमें नहीं पता अभी कितना है, ना इसका साइन कन्वेंशन पता है. सो हम इसे कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, हम इसे बिल्कुल एज इट इज लिख देंगे. सो हमने सारी वैल्यूज को पुट कर लिया है. नाउ इस इक्वेशन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. दिस इज 1/10. अब मैं इस 1/20 जो -1/20 है उसको यहाँ पे लेके आऊंगा इक्वेशन में फ्रॉम RHS टू LHS. सो ये साइन चेंज हो जाएगा एंड दिस विल बी पॉजिटिव. सो इट विल बी 1/20 प्लस 1/20. इट इज यहाँ पे ये 1/-20 था, यहाँ पे आके ये 1/+20 हो जाएगा एंड दिस इज इक्वल्स टू वी, दिस इज इक्वल्स टू 1/v. नाउ LCM लेंगे, LCM 10 और 20 का. LCM विल बी 20 इंटू 10 और यहाँ पे आ जाएगा 20 प्लस 10 इज इक्वल्स टू 1/v. नाउ वॉट, इसको रिवर्स कर देते हैं, v को यहां ले आइए, बाकी सबको वहां ले जाइए इक्वेशन में. सो यू विल गेट v इज इक्वल्स टू 20 इंटू 10 अपॉन 20 प्लस 10. सो सॉल्विंग दिस वी विल गेट 200 अपॉन 30. So v is equals to 200/30. It means v is equals to 20/3 centimeters. Or we can solve 20/3 centimeters. So it is 6.66 centimeters. Now we can see कि जो हमने v solve किया है, जो object का image का जो distance हमने calculate किया है, इमेज का डिस्टेंस, वह इमेज का डिस्टेंस कुछ पॉजिटिव में आ रहा है. देखिए 6.66 इज अ पॉजिटिव वैल्यू, यहां पे प्लस 6.66 है. सो इट मींस कि अगर v पॉजिटिव में आ रहा है तो इमेज कहां होनी चाहिए, इस तरफ. नो, इस तरफ ऑब्वियसली बात है, पोल से
पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, इट मींस कि कॉन्वेक्स मिरर में अगर मैं ऑब्जेक्ट को यहां रखूंगा इस केस में, तो इमेज मेरी यहां पे फॉर्म होगी दिस साइड, उस तरफ कहीं पे इमेज फॉर्म होने वाली है बिकॉज वी इज 6.66। ओके, सो टू फाइंड में हमने सबसे पहले जो इमेज डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना था उसे हमने कैलकुलेट कर लिया है। नाउ नेक्स्ट हमें क्या कैलकुलेट करना है, हाइट ऑफ इमेज। नाउ अब हाइट ऑफ इमेज जब भी कैलकुलेशन के लिए आए, कुछ भी ऐसा आए जहां पे हाइट ऑफ इमेज का जिक्र हो या बात हो, तो आपके माइंड में एक फॉर्मूला स्ट्राइक करना चाहिए, कौन सा, दैट इज मैग्निफिकेशन का, मैग्निफिकेशन एम इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हम इसी फॉर्मूले की हेल्प से इमेज की हाइट निकाल सकते हैं। ओके, क्या हमें मैग्निफिकेशन मालूम है कितना है, क्या हमें ये पता है कि इमेज कितनी बड़ी हो रही है या कितनी छोटी? ऑब्वियसली नॉट, जब तक हम हाइट ऑफ इमेज नहीं निकालेंगे तब तक हमें मैग्निफिकेशन नहीं पता होगा। लेकिन हम ये जानते हैं कि मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू एच आई अपॉन एच ओ। वन मोर थिंग, दैट मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू माइनस वी बाय यू, निगेटिव ऑफ वी बाय यू, वेर वी इज डिस्टेंस ऑफ इमेज एंड यू इज distance of object. So we will use this identity, this formula. Again, जब हम इस formula को use करेंगे तो हमें sign conventions as it is follow करने हैं. So let us use this formula. hi is height of image. ये हमें find करना है. इसके बारे में हमें नहीं पता. इसका sign convention हमें नहीं पता. So we will assume it positive. So hi को हम as it is hi लिख देते हैं. Then height of object is 2 centimeter, but it is positive. So we will write upon 2 plus, positive 2. Okay, then distance of image. Distance of image is 20 by 3 centimeters. So we will write is equals to, now this negative sign will be as it is, ye minus sign as it is aega, is equals to 20 by 3. Height of distance of image is 20 by 3. Then distance of object is u. Distance of object is 20 centimeters, but it is negative. So I will write upon minus 20. बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, हमने मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला यूज किया। जो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है वो कुछ इस तरह से है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या फिर negative of distance of image upon distance of object. So हमने वहां पे height of image को as it is रख दिया, लेकिन height of object की जो value given थी उसको substitute कर दिया with sign convention. This is very important कि आप sign convention follow करें. Now next इसको solve कर सकते हैं हम further. This is h I upon 2 is equals to, अभी negative negative sign कट जाएगा, you will get 20 upon 20 into 3, then this 20 and 20 will get cancel out. So we will get, it implies hi is equals to 2 upon 3 centimeters. Again, the height of image is positive. This image is positive. अगर हाइट ऑफ इमेज पॉजिटिव है, इसका मतलब इमेज जो बन रही है वो एक्स एक्सिस के ऊपर की तरफ बन रही है, इस प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर बन रही है. ओके, सो इट मींस जो भी इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बन रही है वह इमेज क्या है, उसकी हाइट पॉजिटिव में है. ओके, देन हमने देखा कि ऑब्जेक्ट की जो हाइट है वो कुछ 2 सेंटीमीटर है, एंड इमेज की जो हाइट है वह 2 बाय 3 सेंटीमीटर. इट मींस 0.66 सेंटीमीटर्स, 0.66 सेंटीमीटर्स है. इट मींस जो इमेज है वह ऑब्जेक्ट से छोटी हो गई है, डिमिनिश हो गई है. ओके, सो हम यहां पे जो एच आई है, और एच आई मींस हाइट ऑफ इमेज एंड डिस्टेंस ऑफ इमेज की मदद से इस इमेज का नेचर फाइंड कर सकते हैं. ओके, सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हम इसका नेचर कैसे फाइंड करें. फर्स्ट थिंग, आपने ये देखा कि जो भी इमेज फॉर्म हो रही है वह इमेज
पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में फॉर्म हो रही है, इट मींस मिरर के पीछे। जो भी इमेज मिरर के पीछे फॉर्म होती है वह कौन सी इमेज है? वर्चुअल इमेज। सो आई कैन राइट द इमेज इज वर्चुअल इमेज। इमेज एक वर्चुअल इमेज है बिकॉज वो पॉजिटिव एक्स में फॉर्म हो रही है, मिरर के पीछे की तरफ फॉर्म हो रही है। नाउ ऑब्जेक्ट की जो हाइट है दैट इज पॉजिटिव, जो कि ऊपर की तरफ है, देन इमेज की जो हाइट है वो भी पॉजिटिव दैट इज ऊपर की तरफ है। इट मीन्स जो इमेज फॉर्म हुई है वह इमेज इरेक्ट है। व्हाई इरेक्ट? बिकॉज हमारा जो हाइट है ऑब्जेक्ट का वह ऊपर की तरफ है, मीन्स ए पॉइंट ऊपर है। सो इमेज में भी आप देखेंगे कि जो एरो वाला पॉइंट है वो ऊपर की तरफ है। इट मीन्स अगर मैं ऐसा मिरर के सामने खड़ा हूं तो मेरा सर ऊपर ही रहेगा और पांव नीचे ही रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि पांव ऊपर आ गया और सर नीचे। इन्वर्टेड इमेज नहीं फॉर्म होगा, यहां पे इमेज विल बी इरेक्ट। नाउ इमेज इज वर्चुअल, इमेज इज इरेक्ट। वन मोर थिंग, आपने देखा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज 2 सेंटीमीटर्स, मीन्स पॉजिटिव ऊपर की तरफ। देन हाइट ऑफ इमेज इज 2/3, डेट इज 0.66 सेंटीमीटर्स। इसका मतलब इमेज की हाइट कम हो गई है, इमेज छोटी हो गई है। सो आई कैन से इमेज इज डिमिनिश्ड। इमेज छोटी हो गई, इमेज इज डिमिनिश्ड। ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 11।